भाई आज मेरे पूरे काम नहीं हुए। अभी हम लोग बैठे हैं सुबह से, भावना दी की शादी की भी कैसेट देख ली हम लोगों ने और अब देख रहे हैं लत्तू दी की शादी की। सुबह से बोर हो गए हैं, एक तो इंटरनेट बंद कर दिया गया है 3 दिन के लिए और अभी तक हल्द्वानी में कर्फ्यू है, पता नहीं कब खुलेगा। और मैं साथ में कर रही थी नीटिंग, तो आज मैंने पूरा दिन इतने सारे हेडबैंड्स बनाए, एक ये, एक दो दो दो, यह है 3, 4 और 5, आज मैंने 5 हेडबैंड्स बनाए हैं। आज हम लोग इतना बोर हो चुके हैं कल की जो घटना हुई थी हल्द्वानी में उसके लिए, तो अभी लत्तू दी लगा रही है अपनी शादी की कैसेट और अभी हम लोग देखेंगे। और शिवानी तो ड्यूटी जाके आ गई है, कैसा रहा शिवानी आज का दिन? मस्त, लॉकडाउन जैसी फीलिंग आ रही थी, रोड पर कोई नहीं था, पुलिस वाले और चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा वाले बस मस्त बैठे, कहीं भी गाड़ी घुमा लो कहीं से भी, ट्रेन ट्रेन मजा आ रहा था। गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। ये हम 2018 में ऐसे थे। हाँ 2018 में ही शिवानी। तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी। आज किसी को कुछ काम नहीं है, ना इंटरनेट चल रहा है, सबसे अच्छा है इंटरनेट नहीं चल रहा है तब ये देख पा रहे, मतलब वरना हमेशा कोई अपने फोन पे बिजी रहता है, कोई मतलब 4 लोग भी बैठे हो तो फोन तो जरूर यूज हो जाता है। तो सुबह से मुझे भी अभी याद आई कि मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और सब लोग ऐसे बिजी हैं, टीवी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से बचपन के बाद टीवी देखना आज ही देखा होगा ना, वरना फोन पे ही जिंदगी निकल जाती है। हर संडे आ जाती थी यार जी सिनेमा में, और वो भी तो लगा देते थे पापा, और मूवी भी तो हमारे टाइम में हम साथ साथ है कितनी आ जाती थी, टार्जन द वंडर का। तो भाई जयमाला भी हो चुकी है, 10-15 दिन बाद शिवानी भी ऐसे ही रहेगी, है ना शिवानी? ऐसी पोज मार रही होगी तू भी। पाए अरे पाए अरे पाए अरे पाए। भाई आज मेरे 5 हेडबैंड्स रेडी हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बैठे बैठे। श्रव्या, मम्मा पापा वहाँ हैं, तुम कहाँ हो? तुम भी दिख रही हो क्या शादी में? दिख रही हो? आप कहाँ हो? इसको कोई ले ही नहीं गया था शादी में। मामी सब, हम लोग आज पूरा बोर हो चुके थे तो हम लोगों ने सोचा कि घर में करते हैं कुछ कुकिंग। उसके लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, पहले से हम लोगों ने चिकन ढूंढा, पहले मूड बना कि चिकन खाएंगे, चिकन ढूंढा, फिर चिकन नहीं मिला, फिर हमने सोचा पनीर ढूंढते हैं, चिली पनीर बना लेंगे, पनीर भी नहीं मिला, और अब लास्ट में हम लोग बना रहे हैं क्योंकि वेजिटेबल्स घर में थी और मैदा भी घर पे था, और अभी हम लोग बना रहे हैं मोमोज। तो मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा किचन पे। तो हम लोग आ गए हैं किचन पे और यहाँ पे लत्तू दी गूंद रही है मैदा और आटा मिक्स, और इसके बनाएंगे अभी हम मोमोज। इससे हम थोड़ा सा बिजी भी रहेंगे क्योंकि आज पूरा दिन हम बोर हो चुके हैं। और रिया कर रही है यहाँ पे चॉपिंग चॉपिंग, और ये क्या? अच्छा ठीक है। और रिया ने आज काफी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है, रिया दिखाओ। और ये बन रहा है यहाँ खाना, ये हमारा खाना नहीं है, पीजी के बच्चों का खाना है, हम खाएंगे मोमोज। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, इसको दिया है यहाँ
न्यूट्रिला काटने का काम, और जीजा जी कर रहे हैं यहाँ लहसुन छील रहे हैं चटनी बनाने के लिए। स्पेशल काम दिया है वीडियो बनाने का नहीं, मैं भी काम करूंगी, मैं अभी चटनी बनाऊंगी और मोमो की फिलिंग करूंगी। तो अभी ये सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद मैं काम करूंगी। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी चटनी। इधर हो रहे हैं मेरे टमाटर बॉईल चटनी के लिए, और निर्मला दी का खाना भी बन चुका है मैंने चटनी के लिए लिया है टमाटर, इसको मैंने बॉईल किया क्योंकि इसका जो छिकल है वो निकल जाए, हरा धनिया और लाल मिर्च और लहसुन। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी चटनी पीसते पीसते मेरे काम दे हुए और इधर मेरे कपड़े भी पूरे ख़राब हो चुके हैं, ये क्या हो गया अब है इसको साफ करने की बारी। पकड़ो तो इसको, मुझे भी लेते रहना ब्लॉग में। ये हमारी कैटल के हाल है, ये आटा गूंथ के रखा था। ये क्या है, चटनी? चटनी गिर गई यार। कैसे? अरे वो गरम थी, उसमें भाप बन गई। तुमने खोल दिया होगा ढक्कन? जार से बाहर निकल गया, जार से बाहर निकल, मैंने नहीं खोला, वो निकल गया। तो चटनी इतनी बची है इसमें भी सॉस और पानी मिलाती हूँ। साफ करना भी जरूरी है ना। तुम ब्लॉग बनाने में लग रहा हो, लग हो गए। चुप रहो ये हमने जो पल थोड़े के लिए आटा निकाला था दाल भी लग गई और कहीं नहीं चटनी, और बना लो चटनी और बन जाएगी। नाना हो गया, बंद कर दो। इधर हमारी चटनी बनके रेडी है, अब इसको थोड़ी मोमो बनने तक ठंडा कर लेंगे। तो क्या हुआ रिया? छोटी बच्ची जैसी लग रही है आज ना इसका स्कूल की छुट्टी है लत्तू दी कर रही है यहाँ पे बेलने का काम, रिया लगा रही है मोल्ड्स पे ऑयल, और मैं कर रही हूँ फिलिंग का काम। मैंने यहाँ पे चार मोमो फिल करके रख दिए हैं। हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं और हमारी स्टफिंग हो चुकी है ख़त्म। अभी हम सब लोग फ्री हो गए हैं और हम सोच रहे हैं कि दोबारा से स्टफिंग बनाएं क्योंकि मोमोज कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, है ना श्रव्या? ना क्या, ना नहीं खाओगी मोमो? नहीं खाओगी? नहीं खा रही है। तो हमारी सेकंड टाइम की स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। और दूसरा इस फैसले में सरकार का जो साउथ कनेक्ट है वो भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक और मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जो तमिलनाडु राज्य से थे और आज भी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के किसानों में उनकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। तो और एक और बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को भारत
हमारे मोमोज की स्टफिंग हो चुकी है पूरी और ये है, अरे वाह, एक बार के बन चुके हैं और बच्चों ने खा लिया है और क्या साथ में हाफ फ्राई भी बना है और कुछ मोमोज ये हैं, कुछ मोल्ड के अंदर हैं और अब इन लोग को खाने हैं फ्राइड मोमो, फ्राइड मोमोज भी खा रहे हैं। ये क्या हुआ? यहाँ हमारे बन रहे हैं फ्राइड मोमो, सोनम के मोमो, सोनम के मोमो, ये सोनी के मोमो है, सोनी के मोमो, एक खोल देते हैं हम, ये हम सब के मोमो है। तो मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ मोमो, ये वाले फ्राइड मोमोज हमारी जो कच्ची स्टफिंग थी उसके बनाए थे, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं, मज़ा आ गया। कैसे हो रहे थे भैया? बहुत अच्छे, कैसे हो रहे? बहुत ज़्यादा टेस्टी। मिलके एक ढाबा खोल ले, सैटरडे चला सकते हैं, सैटरडे संडे वो क्लाउड किचन, हाँ हम भी एक वैन लेते हैं, गाड़ी चलानी तीनों को आती है, और मुझे चाप बनानी भी आ गई है तो मैं चाप भी बना सकती हूँ। हाँ ये चाप भी मैं मोमोज फिल कर दूंगी, मैं स्टीम करूंगी, रिया स्टीम कर देगी और रिया फ्राइड भी कर लेंगे, रिया पास्ता बना लेगी। तो हम एक सैटरडे संडे अभी तो नहीं, अपने रिटायरमेंट के बाद अगर साथ रहे तो पक्का खोलेंगे, है ना? रहेंगे रहेंगे, और मैं दही बड़े भी बनाऊंगी इसके साथ। दही बड़े भी? हाँ। अच्छा, हमारी वैन में दही बड़े भी मिलेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी जो हम करेंगे। पिज्जा भी हम लोग बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं, और मैगी तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाती हूँ। आज हमारा काफी अच्छा टाइम पास हो गया। कोई हमारा टोंग दे, वो तो वाला होता है ना, वो अच्छा होता है। भैया से मांग लो क्या? नहीं, अभी हम नए नए हैं तो हम चिमटे से कर रहे हैं। फाइनली, अरे वाह, स्लाइस भी है, मस्त। तो हमारे मोमोज ये स्नैपचैट बेचारे आज भेज नहीं पा रहे स्नैप वाले, ये चल रहा है। चटनी दे दो। जीजा जी कैसे हो रहे? मेरा भी हो गया। आज हमारा डिनर सिर्फ मोमो का था। कैसे हो रहे? शिवानी मैंने कहा पहले गिन लो, मैं गिन के बताया, तो 50 भी नहीं खाए मैं, 20 भी। हम लोग लगे थे मोमोज बनाने में 7 बजे से और अभी बच चुके हैं 11, हमारा टाइम कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला। अब कल भी इंटरनेट नहीं है, कल क्या करना है? कल स्प्रिंग रोल, नहीं यार कुछ और बनाएंगे, स्प्रिंग रोल जैसा तो यही हो गया, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। क्या खाओगी? फ्रेंच फ्राइज, कल पनीर मिलेगा तो चिली पनीर बनाएंगे। ठीक है, कल की प्लानिंग हो गई चिली पनीर, क्योंकि कल भी शायद 3 दिन तक अभी इंटरनेट यहाँ पे नहीं है तो मैं मर्दन दे दूंगी।
दो जा जा बता दो।